और इसे पैसों के लिए बेचा भी जाता है। शायद ये बात आपको सुनने में कोई मजाक लगे, पर आपको बता दूं कि रेगिस्तान में पाए जाने वाले ऊँटों के आंसू काफी महंगे बिकते हैं। ऊँटों के आंखों से आंसू लाने के लिए पहले इसे सांप खिलाया जाता है ताकि ऊँट की बीमारी खत्म हो जाए, पर सांप को खाते वक्त ऊँटों के आंखों से आंसू बहने लगते हैं, जिसके बाद इसके आंसुओं को इकट्ठा किया जाता है और इन आंसुओं को मार्केट में बेच दिया जाता है, क्योंकि इनके आंसुओं में कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज पाई जाती है जो सांपों के जहर के प्रति किसी एंटीडोट की तरह कार्य करती है। इसलिए जब किसी इंसान को सांप काटता है तो उस इंसान को इसी एंटीडोट की मदद से बचाया जा सकता है। पिताजी, अगर हम पिस्तौल की खेती करेंगे ना, तो इन अंग्रेजों को आसानी से भारत से भगा सकते हैं। पिता ये सुनकर हैरान रह गए। दोस्तों, ये बच्चा कोई और नहीं, हमारे देश के शहीद आजम सरदार भगत सिंह थे। ये कितना कठिन रहा होगा वो दौर जब एक बच्चा भी अपने देश के लिए सोचे। कई बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ सैलरी के नाम पर सिर्फ $1 ही लेते हैं, जैसे कि फेसबुक के मार्क जकरबर्ग, टेस्ला और स्पेसएक्स के एलन मस्क और इंफोसिस के नारायण मूर्ति। पर सवाल यह है कि सिर्फ $1 ही क्यों, बाकी बहुत सी कंपनियों के सीईओ तो करोड़ों डॉलर की सैलरी छापते हैं। देखिए, मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि $1 की सैलरी का रेगुलर सैलरी से भी ज्यादा फायदा है। पर कैसे, चलिए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो सैलरी कम हो तो हाई इनकम टैक्स से बचा जा सकता है। इसकी बजाय सीईओ कंपनी के स्टॉक्स ले लेते हैं और कैपिटल गेन पर उन्हें कम टैक्स देना पड़ता है। दूसरा, इन्वेस्टर को भी लगता है कि सीईओ खुद सैलरी की जगह कंपनी के स्टॉक्स ले रहा है। इसका मतलब सीईओ को कंपनी के फ्यूचर में भरोसा है, नहीं तो वो भी सैलरी लेके निकल सकता था। इससे इन्वेस्टर्स का विश्वास बढ़ता है और वो ज्यादा फंड इन्वेस्ट करते हैं। यही इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है। गाइस, आपको ये इंटरेस्टिंग वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में।